बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ की थर्ड एचओडी क्लास का आज डे फाइव है और अब आपका इंग्लिश का पीरियड है और इस एचओडी क्लास में इंग्लिश का जो टारगेट है वो आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा रोज का काम रोज करें ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना लगे फिर किसी एक दिन पे। सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश की बुक्स निकाल लीजिए। आज हम यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन लेसन कंप्लीट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने लास्ट पॉइंट की रीडिंग करनी है। ड्रग एडिक्शन इज रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। इन पाकिस्तान अलोन देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन फ्रॉम सोसाइटी, but still more efforts are needed to completely wipe it out. This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. Drug addiction is really a very serious threat to any society. Manshiyat ki lat वाकई किसी भी माशरे के लिए एक बहुत ही संगीन खतरा है। इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में देर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स और इट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, ह्यूज नंबर। सिर्फ पाकिस्तान में ही तकरीबन 5 मिलियन अफराद जो हैं वो नशे के आदि हैं। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। नशे के आदि अफराद को माशरती, समाजी और सेहत के मसाइल का हर वक्त न्यूमरस बेशुमार मसाइल का हर वक्त सामना रहता है। द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में जो हुकूमतें हैं, हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन, कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरह ये जो नशे की आदत है या ड्रग एडिक्शन है, नशे की लत है, इससे किस तरह मुकम्मल तौर पे खत्म किया जा सके फ्रॉम सोसाइटी, माशरे से। बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, मगर अभी भी मजीद कोशिशों की जरूरत है कि इसे मुकम्मल तौर पे खत्म कैसे किया जाए या इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग पोज। ये सिर्फ इसी सूरत में इस बात को मुमकिन बनाया जा सकता है कि जब लोग मंशियात से होने वाले जो खतरे हैं उनसे तेजी से वाकफियत हासिल कर लें। दे शुड वो फॉर्मली टू लिव अ हेल्थी एंड मीनिंगफुल लाइफ, और वो अज़्म कर लें, बाकायदा वो कर लें, यानी वादा कर लें, बिल्कुल पक्का फैसला कर लें फॉर्मली सख्ती के साथ, टू लिव अ हेल्थी एंड मीनिंगफुल लाइफ, कि वो एक सेहतमंद और बामानी जिंदगी गुजारेंगे। तो सिर्फ ये उसी सूरत में मुमकिन है कि ड्रग एडिक्शन का, नशे की आदत का, लत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सके इस पूरी दुनिया से। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपका ये एक बहुत ही मीनिंगफुल लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है। इसको बार बार इसकी रीडिंग सुनिए, इसके एक एक वर्ड को जो आपको मुश्किल लग रहा है अंडरलाइन कीजिए, इसके मुश्किल वर्ड्स को भी, उनके स्पेलिंग्स को भी याद करने की कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेसन की रीडिंग। इसके मुतालिक कोई भी सवाल आपके पेपर्स में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आपको पता है कि मैं आपको हमेशा करवाती हूँ थीम भी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन ड्रग एडिक्शन, तो आप ये आंसर लिखेंगे, द थीम रिवॉल्व्स अराउंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। इट ऑल्सो रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन ट्रीटिंग ड्रग एडिक्ट्स। इट हाईलाइट्स द वाइटल रोल that counseling plays in making people live a healthy life. तो ये एक क्वेश्चन है जो आपने आज ही के दिन में अपनी इंग्लिश की नीट नोटबुक्स पर लिखना है और इसको आपने जुबानी याद कर लेना है। स्टूडेंट्स, आज हम लेटर नंबर 9 पढ़ेंगे आपके नोट से। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, सिटी ABC, A.B.C. और आपको पता है कॉमा होता है, आगे आप डेट वही डालेंगे जून और जो भी डेट हो, कॉमा 2020,
फुल स्टॉप माय डियर फ्रेंड आई एम फाइन हियर आई होप यू विल बी फाइन टू योर लेटर केम टू हैंड अ फ्यू डेज अगो आई कुड नॉट रिप्लाई सून बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई हैड अ स्लाइट कोल्ड आई टुक रेस्ट एंड मेडिसिन नाउ आई एम क्वाइट फिट एंड फाइन आई एम वेरी प्लीज्ड टू लर्न अबाउट द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस ओकेजन ओकेजन कहते हैं मौके को सलाम टू ऑल एट होम योर फ्रेंड एक्स वाई जेड तो इस लेटर को भी आज ही के दिन में अपनी इंग्लिश की नीट नोटबुक्स पर नोट कर लीजिए और इसको जुबानी याद कर लीजिए जी स्टूडेंट्स आज के दिन आपको बस इतना ही काम बता रही हूँ और आज ग्रामर का कोई काम इसमें शामिल नहीं है और मैं यही चाहूंगी कि जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है परफेक्ट टेंसेस का वो ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस की सूरत में हो या क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में हो आप उसको इसी एचओडी क्लास में मुकम्मल तौर पर समझ लीजिए और उन एक्सरसाइजेस को भी जरूर हल कीजिए काफी सेंटेंसेस वो बन जाते हैं अगर आप रोज के रोज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी और आप कोशिश कीजिएगा कि ये सब कुछ आप साथ साथ याद करते जाएं क्योंकि अब आपके इंशाल्लाह इम्तिहानात और टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं थैंक यू अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डे 10 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना उर्दू का काम शुरू करते हैं जी स्टूडेंट्स मशकी सवालात के जवाबात हैं ये बहुत ही आसान सवाल हैं अगर आपने मफहूम याद कर लिया है तो ये सवाल पढ़ने मुश्किल नहीं है पहला सवाल है पहले बंद में कौन से काफिये इस्तेमाल हुए हैं जवाब है पहले बंद में दर्ज ज़ैल काफिये इस्तेमाल हुए हैं बरसात बागात कतरात घात सवाल नंबर दो तीसरे बंद में मौजूद रदीफ की निशानदेही करें जवाब तीसरे बंद में रदीफ है हरे बिछोने सवाल नंबर तीन चौथे बंद में कौन सा लफ्ज बतौर रदीफ इस्तेमाल हुआ है जवाब है चौथे बंद में कोई लफ्ज बतौर रदीफ इस्तेमाल नहीं हुआ सवाल नंबर चार है तीतर अल्लाह की इज्मत को कैसे बयान करता है जवाब तीतर जब बोलता है तो यही महसूस होता है जैसे वो कह रहा हो सुभान तेरी कुदरत सवाल नंबर पांच गुलजार के भीगने और सब्जे के नहाने से क्या मुराद है जवाब बरसात के बाय हर तरफ पानी ही पानी हो रहा है बास मकामात पर जल थल एक हो गए हैं यानी पूरा बाग भीगा हुआ नजर आ रहा है बारिश की वजह से सब्जे पर पड़ी हुई गर्द भी धुल जाती है और देखने वालों को यूं महसूस होता है जैसे सब्जा नहाया हुआ है सवाल नंबर छह है कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने से क्या मुराद है जवाब जब बारिश होती है तो वो जगह जहाँ पहले खुश्की होती है बारिश की वजह से सरसब्ज़ शादाब हो जाती है हरी हरी घास उगती है बारिश बंजर जमीन को मखमली और जुमरद बना देती है शायर के कहने का मतलब यह है कि बरसात के मौसम में हर तरफ हरी घास का फर्श बिछ जाता है इसके बाद यहाँ इस सवाल में मुज़क्कर और मुअन्नस की निशानदेही करें उस आपके मुज़क्कर मुअन्नस आपकी बुक में लिखे हुए उस एक जगह लिखे हुए उसमें मुज़क्कर है बादल सब्जा गुलजार रंग और तीतर और मुअन्नस है हवा बरसात कुदरत और घटा सवाल नंबर छः तीन देखिए जिस नज़म की हर बंद में एक ही मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे टेप का मिसरा कहते हैं इस नज़म में टेप के मिसरे की निशानदेही करें मैं ये आपको वैसे ही बता दूं कि इस नज़म में टेप का मिसरा है क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें आपने पढ़ा है ना वो बार बार एक लफ्ज़ क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें तो वही इस नज़म में टेप का मिसरा है तो बस यहाँ तक हमारा ये काम मुकम्मल होता है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया होगा और याद भी किया होगा अल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 9th की थर्ड एचओडी क्लास का आज डे 10 स्टार्ट हो गया है और ये इस थर्ड एचओडी क्लास का लास्ट डे है और अब आपका मुताला पाकिस्तान का पीरियड स्टार्ट हो रहा है आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए जी स्टूडेंट्स आज लास्ट डे पे हम पेज नंबर 100 पर आपका टॉपिक पढ़ेंगे करारदादे मकासिद 1949 ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 अब ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है मैं अभी आपको एक्सरसाइज से इसको पढ़ाने के बाद दिखाऊंगी आप इसको एज इट इज याद कर लें यही आपके उस क्वेश्चन का आंसर है नोट्स में भी लिखा हुआ है थोड़ा शॉर्ट करके मैं कोशिश करती हूँ वो भी आपको एक दफा रीड करा दूं लेकिन बेहतर है कि आप इसको यहां से ही एज इट इज याद करें 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की तहरीक पर आइन साज असेंबली ने करारदादे मकासिद
मंजूर की। करारदाद मकासद ने पाकिस्तान की आइन साजी में नहायत अहम मुकाम हासिल किया। करारदाद के अहम नकात दर्ज ज़ैल हैं। इक्तदार आला या हाकमियत सॉवरेनिटी। इस करारदाद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक्तदार उसी को हासिल है। इक्तदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की इमानत है और इस इक्तदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। इस्लामी कानून साजी इस्लामिक लेजिस्लेशन। पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरतीब दिया जाएगा और यहाँ इस्लामी उसूलों से मुतसादम कोई कानून साजी नहीं की जाएगी। इस्लामी इकदार इस्लामिक वैल्यूज। पाकिस्तान में इस्लामी इकदार जमहूरियत आज़ादी मसावात रवादारी और माशरती इंसाफ को फरोग दिया जाएगा और इस्लामी असूलों पर अमल किया जाएगा। इस्लामी तर्ज जिंदगी इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। मुसलमानों को इनफरादी और इज्तमाही शोबों में अपनी जिंदगियां कुरान और सुन्नत की रोशनी में बसर करने के काबिल बनाया जाएगा। वफाकी तर्ज हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट। पाकिस्तान एक वफाक होगा जिसमें सूबों को आइन की हदूद के अंदर रहते हुए खुद मुख्तारी हासिल होगी। बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स। तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज माशर्ती माशी सियासी और मजहबी हकूक हासिल होंगे। उन्हें फिक्र इजहार तंजीम साजी और आज़ादी इजतमा मैसर होगा ताकि वो अपनी शख्सियतों की बेहतर नशोनमा कर सकें। पसमानदा इलाकों की तरक्की डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। पसमानदा इलाकों को सियासी माशरती और माशी शोबों में शिरकत और तरक्की के मसावी मौके मैसर आएंगे और उनके हकूक को कानूनी तहफ़ दिया जाएगा। अकलियतों का तहफ़ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। पाकिस्तान के तमाम गैर मुस्लिम शहरियों को मुकम्मल आज़ादी और तहफ़ मिलेगा। उन्हें अपने मजहबी फ़राइज़ अदा करने और इबादत गाहें तामीर करने की आज़ादी होगी। अदलिया की आज़ादी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगी। उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा और वह इंसाफ के तकाजे अपने इख्तियारात के मुताबिक पूरे करने की हामिल होगी। करारदाद मकासद की अहमियत इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। पाकिस्तान की आइन साजी की तारीख में करारदाद मकासद बहुत अहमियत की हामिल है। इस करारदाद के जरिए तख्लीक पाकिस्तान के मकासद को पूरा करने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक इस्लामी माशरे के क्याम को मुल्क का नस्बुलैन करार दिया गया। इसलिए इसको पाकिस्तान के तीनों दसातीर 1956, 1962 और 1973 में इफ्तताहिया के तौर पर शामिल किया गया है। तो यहाँ तक आपकी इस थर्ड HOD क्लास में इस दफ़ा का जो आपका टारगेट है या आपका टास्क है, यहाँ तक आपकी रीडिंग है जो मुकम्मल हुई और इसी से रेलेवेंट हमने क्वेश्चंस भी पढ़े हैं। अब इसका मैं आपको क्वेश्चन आज बताती हूँ कौन सा है। यही क्वेश्चन का आंसर भी है, लेकिन मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, करारदाद मकासद के अहम नुकात की वजाहत कीजिए। तो अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा यही उसका आंसर है। मैं आपको नोट से भी पढ़ा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, आंसर शुरू होता है करारदाद मकासद क्या है। पाकिस्तान के बाद निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए 1935 के कानून हिंद में बास तरामीम करके पाकिस्तान का अबूरी आइन बनाया गया। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आइनी ज़रूरत के लिए नाकाफी था। पाकिस्तान को अपने आइन की अशद ज़रूरत थी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए खान लियाकत अली खान ने आइन साजी की तरफ पेशरफ्त की। इसके तहत मार्च 1949 को आइनी मकासद पर मुश्तमिल एक करारदाद दस्तूर साज असेंबली में पेश की, जिसे मार्च, ये जैसे लिखा हुआ है इसको ठीक कर लीजिए, ये जिसे है, जिसे 12 मार्च 1949 को असेंबली ने मंजूर कर लिया। ये करारदाद तारीख पाकिस्तान में करारदाद मकासद के नाम से मशहूर हुई। अल्लाह ताला की हाकमियत, ये इसके अहम पॉइंट्स हैं। इस करारदाद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक्तदार उसी को हासिल है। इक्तदार मुसलमान के पास अल्लाह ताला की इमानत है और इस इक्तदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। यह आप ठीक कर लीजिए, यह वाव भी अफालतू है, मुंतखब में खे का भी नुकता है। इस्लामी कानून साजी। पाकिस्तान का आइन, ये आप ठीक कर लीजिएगा, कुरान और सुन्नत इकट्ठा लिखा गया था तो आप इसको ठीक कर लीजिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरतीब दिया जाएगा और यहाँ इस्लामी उसूलों से मुतसादम कोई कानून साजी नहीं की जाएगी। इस्लामी इकदार। पाकिस्तान में इस्लामी अकवाम जमहूरियत आज़ादी मसावात रवादारी और माशरती इंसाफ को फ़रोग दिया जाएगा और इस्लामी उसूलों पर अमल किया जाएगा। इस्लामी तर्ज ज़िंदगी।
मुसलमानों को इनफरादी और इज्तमाही शोबों में अपनी जिंदगियां कुरान और सुन्नत की रोशनी में बसर करने के काबिल बनाया जाएगा। वफाकी तर्ज हुकूमत, पाकिस्तान एक वफाक होगा जिसमें सूबों को आइन की हदूद के अंदर रहते हुए खुद मुख्तारी हासिल होगी। बुनियादी हकूक, तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज माशरती माशी सियासी और मजहबी हकूक हासिल होंगे। उन्हें फिक्र इजहार तंजीम साजी और आजादी इज्तमा मयसर, ये ठीक कर लीजिए, मयसर होगा ताकि वो अपनी शख्सियतों की बेहतर नशोनुमा कर सके। पसमानदा इलाकों की तरक्की, पसमानदा इलाकों को सियासी माशरती माशी शोबों में शिरकत और तरक्की के मसावी मौके मयसर आएंगे और उनके हकूक को कानूनी तहफ़ दिया जाएगा। अकलियतों का तहफ़, पाकिस्तान के तमाम गैर मुस्लिम शहरियों को मुकम्मल आज़ादी और तहफ़ मिलेगा। उन्हें अपने मजहबी फ़राइज़ अदा करने और इबादत गाहें तामीर करने की आज़ादी होगी। और लास्ट पॉइंट है अदलिया की आज़ादी, अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार होगी, उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा और वह इंसाफ के तकाजे अपने इख्तियारात के मुताबिक पूरे करने की हामिल होगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर नोट से भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप कोशिश कीजिए आज ही के दिन में इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें और इसको याद भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज डे 10 है और डे 10 में हमने चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्टिव है लिखा हुआ है कि यूनानी साइंसदानों के कारनामों का ऐद कौन सा है, तो इसका जवाब है 600 से 300 कबल मसीह। इसके ऊपर आप निशान लगा लेंगे, याद कर लेंगे। दूसरा है मुसलमान साइंसदानों के कारनामों का ऐद कौन सा है, तो जो मुसलमान साइंसदानों के कारनामों का ऐद है वो है 700 से 1300 कबल मसीह, तो इसके ऊपर आपने निशान लगा लेना है। तीसरा है डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कितनी गुतों के इतिहाद का नज़रिया पेश किया, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने चार बुनियादी गुतें थी उनको जो है वो इकट्ठा करने का या यकजा करने का नज़रिया पेश किया था। अगला है साइंस को कितनी बुनियादी अकसाम में मुनकसिम किया गया है या तकसीम किया गया है, तो ये आपने मुख्तसर सवालात के जवाब में भी पढ़ा था कि साइंस को बुनियादी तौर पर दो अकसाम में तकसीम किया गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स, ये सिर्फ चार ऑब्जेक्टिव हैं जो मैंने आपको यहाँ सॉल्व कराए। अब आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख लेना है। तो लिखने के लिए आप बेशक इसकी स्टेटमेंट लिखकर उसका जो जवाब है सिर्फ वही लिख दें तो काफ़ी है। इस तरह हमारा जो थर्ड एच ओ डी क्लास का जो सिलेबस था वो हमारा मुकम्मल हुआ। अब आपने इस सारे काम को बड़े अच्छे तरीके से नोट करना है, याद करना है, और इस बारे में अगर कोई भी किसी का कोई सवाल हो या कोई मसला हो तो आप अपने कोऑर्डिनेटर के नंबर पर कॉल करके वो मसला आपका हल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।